हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस, आप सभी लोग का दोस्त और होस्ट। और एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। जी हां, आज का वीडियो कुछ अलग है। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि भैया, जब आप फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और उसको थोड़ा एक वीडियो के थ्रू मुझे बताइए। तो अभी कुछ दिन पहले मैं गया था बेंगलुरु टू गुवाहाटी और उस वीडियो को कम्प्लीट किया था मैंने, मतलब फ्लाइट की जर्नी को वीडियो में कम्प्लीट किया था। तो उस वीडियो को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, या इस वीडियो में या पुराने वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो में मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें नहीं बताया, अब एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा था 1 घंटे पहले। आपको भी जो कुछ जहां से एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट लेनी है उस पर 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अभी बोर्डिंग पास के लिए और मेरी जो फ़्लाइट है वो है बेंगलोर टू गुवाहाटी, इंडिगो है 6:50 पे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोर्डिंग पास का क्या प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है, आपको टिकट लेना होता है। टिकट के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो नॉर्मल सिक्योरिटी चेकअप से आपको गुजरना होगा। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, जिस बोर्डिंग पास में आपका सीट मेंशन रहेगा। और मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ। और जिस कंपनी का आपका फ़्लाइट है, मान लीजिए इंडिगो की है, तो इंडिगो काउंटर पर जाएंगे और आपको बोर्डिंग पास देंगे। तो मैं दिखा देता हूं आपको, पीछे है इंडिगो का काउंटर। मैम, बस आ जाता है वापस। और हम तो बोर्डिंग पास, हाँ बोर्डिंग पास है। अगर हम लोग तो यहाँ से कुछ टिकट मिल पाएगा क्या इसका? ये प्रिंट आउट दे सकते हैं टिकट, डायरेक्ट दिखा के बोर्डिंग पास ले लेते हैं। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, यहीं से बोर्डिंग पास चाहिए था मुझे और विंडो सीट चाहिए, मिल जाएगा? चेक करेंगे सर। चेक करिए, हाँ हाँ बैग है, लगेज है। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टॉप। मैंने ले लिया है अपना बोर्डिंग पास और मैं दिखा देता हूँ कि बोर्डिंग पास पर क्या क्या मेंशन रहता है। और उसके बाद इन्होंने लगेज मेरा वहाँ पर सबमिट कर लिया। दोस्तों, लगेज जमा करने के बाद मैं आ चुका हूँ सिक्योरिटी चेकिंग पे। यहाँ से सिक्योरिटी चेक करके मैं निकल जाऊँगा। गेट नंबर यहाँ पे मेंशन था मेरे बोर्डिंग पास पे, उस गेट नंबर पे आ गया हूँ। वहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग होगी, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा कि कहाँ पे हमें एंट्री कराएंगे। हेलो फ्रेंड, अभी मैंने सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट कर ली। सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ वेटिंग एरिया में और अभी 6:50 पे मेरी फ़्लाइट है, तब तक मैं इधर वेटिंग एरिया में ही रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे जब तक कंप्लीट ना हो तब तक बने रहिएगा। फुल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कैसे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, क्या था। तो मैंने सोचा कि नए जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ कि बोर्डिंग पास हो गया मेरा, सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट है, अब फ्लाइट मेरी मिलेगी गेट नंबर 20 से। और उसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है जाने से पहले और क्या प्रोसेस बचे हैं मैं कंप्लीट बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट का थोड़ा सा नज़ारा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको 2 से 1.5-2 घंटे अगर आपको यहाँ पर रुकना होगा तो कभी भी बोर फील नहीं करेंगे आप। तो आपको दिखा देता हूँ क्या है यहाँ का नज़ारा।
फोटो भाई गोवती टू आई सॉ गो यस प्लीज थोड़ा जल्दी प्लीज 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 देयर ऑल इन द यस टाइम आए ना ज्यादा टाइम आए तो देयर ऑल इन द देयर ऑल इन द एयरप्लेन इज वन चेक करना हेल्प चाहिए था मुझे 22 23 पे अभी वोटिंग ऑन नहीं हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है तो मुझे विंडो सीट चाहिए सर अभी आप अपना सीट ले लीजिए आफ्टर द वोटिंग इज कंप्लीटेड हम बोल देंगे अगर कोई विंडो सीट अवेलेबल अभी चेक कर लेंगे अभी हो गया क्लोजिंग तो हो गया काउंटर क्लोज हो गया नहीं बट हमारे पास मैनेजर्स नहीं है सर अच्छा ठीक है ठीक कोई बात नहीं ना 7 सीट पर मैं अभी लगे रख देता हूँ यात्रियों से निवेदन है अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें धन्यवाद मैं हैव अटेंशन प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू काइंडली रिमेन सीटेड विद योर सीट बेल्ट फास्टेन प्लीज थैंक यू